गुड मॉर्निंग आप सबको, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सबके भाई जहां भी है, जैसे भी है, सही सलामत और खुश रहे, ऐसी इस बहन की दिल से विशेष है भगवान को। और आज मेरी ननद आने वाली है, तो आज मैं राखी, हम कैसे आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं वो आप मेरे इस व्लॉग में देखेंगे। तो लेट्स गेट वॉच। आज कड़ी, चावल, सब्जी, पूरी और खांडवी, जो गुजराती की, जो फरसाण जिसे बोलते हैं, जो गुजराती लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वो या खमण, दोनों में से एक बनाने का सोचा है। मेरी ननंद के हाथों के खमण बहुत अच्छे बनते हैं, मेरे ससुर जी को उनके हाथों के खमण बहुत अच्छे लगते हैं, तो अगर वो बनाएंगे या तो फिर खांडवी बनाएंगे, जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो मैंने बाकी रखा है बनाने को। बाकी पूरी रसोई हो चुकी है, अब बस वो लोग आए, उसका इंतज़ार जा कर रहे रहे हैं हैं। रेडी होने। कुछ खास मैं ऐसा कुछ हैवी मेकअप या कुछ वो नहीं करने वाली हूँ। मेरा एक सिंपल जो गाउन है, जो मैंने साड़ी में से सिलवाया था, वो मैं पहनूंगी, और उसके साथ कंट्रास्ट ब्लैक कलर का जो दुपट्टा है, वो मैं उसके साथ मैच करूँगी। और ज्वेलरी में कुछ नहीं पहनूंगी, बस ये जो ईयरिंग्स है वही रखूँगी, क्योंकि मुझे खास ऐसा तामझाम बहुत कुछ पसंद नहीं है, तो बस मैं तैयार होके आई अभी। ये देखिए, ये मेरा गाउन है, ये वाइट साड़ी में से मैंने सिलवाया हुआ है, और ये इसकी स्लीव्स मैंने अलग कराई है रेड कलर की, और उसमें मैंने ये कॉन्ट्रास्ट कलर का ले लिया, ब्लैक दुपट्टा मैंने मैच किया है। तो ये है मेरा फाइनल लुक, ज़्यादा मेकअप नहीं किया है मैंने, बस थोड़ी सी काजल लगाई है और लिपस्टिक, बस और कुछ मेकअप नहीं किया है मैंने। मैंने और मेरे हस्बैंड ने आज मैचिंग में पहना है मरून मरून। ये देखिए, यहाँ राखी की तैयारियाँ हो गई है। ये जो कुमकुम है, चावल और डिश में राखियाँ रख दी है, और मेहमान भी आ गए हैं, मेरे सास ससुर है, मेरी ननद है और जीजा जी हैं, और बस थोड़ी देर में अब राखी हम बांधेंगे, मुहूर्त हो गया है तो बस शुरू ही करेंगे राखी बांधना। पहले मेरे हस्बैंड आएंगे, फिर मैं, फिर मेरी बेटी और मेरा बेटा, दीदी हम सबको राखी बांधती है। राखी बांध सिर्फ भाइयों को नहीं बांधी जाती, राखी का मतलब होता है रक्षा करना, तो बस दीदी का आशीर्वाद है, वो हम सबको बांध राखी बांध देगी। फिर हम सब लोग जो लंच में जो बाकी है बनाना, वो हम बनाना शुरू करेंगे। Thank you.
हम लोग अब खमन कैंसिल हो गया है, तो हम खांडवी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं वीडियो के साथ आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करती जाऊंगी। यहाँ दीदी ने 2 कटोरी बेसन लिया है और 2 कटोरी छाछ ली है। अब इसको मिक्स करके गैस पर चला देंगे और इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक हमें स्लो टू मीडियम आंच पर इसे पकाना है। और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, और फिर इसको हिलाते रहना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी नहीं हो जाती। हमें चेक करते रहना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और पतला भी नहीं। आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है इसकी। इसके बाद हम इसको प्लेट में आगे और पीछे दोनों साइड लगाकर रख देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने प्लेट में आगे अंदर और बाहर दोनों तरफ इसका बैटर लगा दिया है और इसे थोड़ा ठंडा करने रख देंगे। 2 कटोरी बेसन में हमारी ऐसी आगे पीछे होकर 6 प्लेट हुई हैं, तो हम अब बस यही लगा रहे हैं। आसान है बनाना, मुश्किल काम नहीं है। रेसिपी के वीडियो शेयर करते वक्त मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ रही थी क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी है इसकी। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें बताती जाऊंगी। अब हमने थाली पे ऊपर नीचे दोनों साइड ये बैटर लगा दिया है। अब हमने तड़के की तैयारी कर ली है। तेल में राई, तिल, करी लीव्स और थोड़ी सी लाल मिर्च डालकर इसका तड़का तैयार करना है। और इस तेल को इन पूरी थालियों में पहले ऊपर जो बैटर है उसमें हमें थोड़ा थोड़ा लगा देना है, फिर हाथों की उंगलियों से इसे चारों तरफ इस प्लेट पर फैला देना है और फिर इसके बाद हमें चाकू से इसमें कट लगाकर हमें जितनी साइज़ के चाहिए बड़े छोटे उस तरह से कट लगाकर हमें धीरे धीरे इसे पीछे की ओर से निकालते जाना है। और देखिए ये होगी हमारी खांडवी। इस बैटर को ठंडा होने से पहले ही हमें पूरा थाली पर इसे बिछाना होता है। आप अगर चाहे तो ये पूरा बैटर अपने प्लेटफॉर्म पे भी बिछा सकते हैं ताकि ये प्लेट ख़राब ना हो, लेकिन मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है तो मैं डिश पे मैंने लगाना सही समझा। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये खांडवी निकल रही है। ये देखिए ये जो तड़का था वो पूरी तरह से हमने हाथों से हमें पूरी थाली पर फैला देना है। देखिए ये देखिए बस खाने का टेबल सेट लग चुका है, सब खाने के लिए बैठ चुके हैं। और ये मेरी मदर इन लॉ खा रही है, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड के साथ ही मेरी बेटी ने खाना खा लिया था, और मेरे ससुर जी भी खाना खा चुके हैं। ये देखिए इसकी मस्ती चल रही है। और अब मेरी और दीदी की बारी है, बस हम दोनों भी अब खाना खाना बैठ चुके हैं। मेरा फास्ट है, मैं एक टाइम है, मेरा श्रावण का महीना है, तो मैं दीदी मेरे साथ ही खाने के लिए बैठी है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा राखी के दिन का सेलिब्रेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।